इसके बंद होने के बाद ऐसा किसी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं आ रही। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो इसका छोटा रूप होता है प्लांट का, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, वो पेशेंट्स को लगाए जा रहे हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी एमरजेंसी में लगाने को है, तो ऐसी किसी को कोई परेशानी, अगर बिजली चले जाए तो तब हम सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के गृह जिले के क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले 3-4 महीनों में पीएसए प्लांट बंद पड़ा है। मरीजों को अब ऑक्सीजन सिलेंडरों के सहारे ऑक्सीजन दी जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि बीते दिनों ही पीएसए प्लांट की सर्विस करवाई गई थी, अब फिर प्लांट में तकनीकी खराबी आ गई है। दरअसल अस्पताल में सुविधाएं बेहाल होती जा रही है, इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्लांट जो है हमारा कुछ तकनीकी खराबी आई है, उसकी वजह से खराब है, तो कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, बहुत ही जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा। बाकी इसके बंद होने के बाद ऐसा किसी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं आ रही। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो इसका छोटा रूप होता है प्लांट का, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, वो पेशेंट्स को लगाए जा रहे हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी एमरजेंसी में लगाने को है, तो ऐसी किसी को कोई परेशानी, तकरीबन आप लेके चलो तो मुझे लग रहा है 3-4 महीने हो। 3-4 महीने बहुत जल्दी है, कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है। नहीं, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। ऑक्सीजन की हमें कोई परेशानी नहीं, मैंने बताया आपको कि हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो कि प्लांट बड़ा होता है, कंसंट्रेटर छोटे होते हैं, तो वो बिजली से चलते हैं। और